आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की दूसरे नंबर की बेटी यानी रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। ट्विटर पर इतनी एक्टिव हैं कि इनके ट्वीट के खबर बनने में देर नहीं लगती। ताजा मामला बीजेपी से जुड़ा है। रोहिणी इन दिनों बीजेपी के पीछे पड़ गई हैं। बेगूसराय में हुए गोलीकांड को लेकर बीजेपी के कई नेताओं पर ट्वीट कर वो हमला कर चुकी हैं। सुशील कुमार मोदी के बाद अब उन्होंने गिरिराज सिंह को जवाब दिया है। रोहिणी आचार्य ने आज शनिवार को ट्वीट करके एक बार फिर से हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने गिरिराज सिंह को आड़े हाथों लिया। सबसे पहले उन्होंने आरजेडी ऑफिशियल के ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट पर लिखा, भाजपा नेता गिरिराज सिंह का करीबी निकला बेगूसराय कांड का मास्टरमाइंड। इसके बाद उन्होंने लिखा, आखिर इतनी बौखलाहट बेचैनी किस बात की है? अपराधी पकड़े गए हैं, उनके दंगाई आका को पकड़ा जाना अभी बाकी है। धैर्य रखें, पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। बेगूसराय कांड के जितने मास्टरमाइंड और साजिशकर्ता हैं, सभी को पकड़ा जाना निश्चित है, ताकि बिहार को बदनाम करने वाले गद्दारों को सबक सिखाया जा सके। इसके आगे वो गिरिराज सिंह को गिद्धराज सिंह कहते हुए लिखती हैं। कभी गुजरात में बिल्किस बानो के सजा याफ्ता बलात्कारियों को आजाद करा के संस्कारी बोलकर गुणगान किया करता है, तो कभी बेगूसराय कांड के अपराधियों के संग खड़ा होकर निर्दोष बताने की मुहिम छेड़ा करता है। आखिर इतनी निर्लज्जता कहां से लाते हो गिद्धराज सिंह? बता दें कि शुक्रवार को गिरिराज सिंह ने ये बयान दिया है कि बेगूसराय गोलीकांड में 10 लोगों पर गोलीबारी नहीं हुई, बल्कि इससे सरकार के चेहरे बेनकाब हो गए। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के बयान पर कहा कि नीतीश कुमार ने अपराधियों की जाति तक बता दी, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय गोलीकांड को आतंकी हमले से जोड़ते हुए इसकी जांच NIA और CBI से करवाने की भी बात की थी, साथ ही जांच में लीपापोती की बात की थी, जिसके बाद से ही रोहिणी आचार्य ने गिरिराज सिंह को आड़े हाथों लिया है और उनको लेकर उन्होंने धड़ाधड़ इतने ट्वीट कर दिए हैं। अब देखना होगा कि गिरिराज सिंह की ओर से रोहिणी को क्या जवाब मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।